नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज। प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। 3 महीने में पैसा करें डबल, ऐसा झांसा देकर 4000 छात्रों का लाखों रुपए लेकर फर्जी कंपनी फरार। वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम से कैप्टन कॉम्प्लेक्स में चल रही थी संस्था। आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम के साथ कोतवाली थाना में करवाया मामला दर्ज, कार्रवाई की मांग। 10 जिलों में 1 सप्ताह के अंदर इनामी अपराधी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। बहेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पसरी गंदगी देख विफरे डीएम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लगाई फटकार, का साफ सुथरा रखे परिसर, विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। प्रतीक्षारत छात्रों के लिए खुशखबरी, जल्द होगी मिथिला विश्वविद्यालय में पीआरटी 2018, अगले सप्ताह में हो सकती है अधिसूचना जारी। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। एसटी थॉमस स्कूल सहागंज बेता, नर्सरी से अष्टम तक के इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा। वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा। वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं एसटी थॉमस स्कूल सहागंज बेता। समृद्धि प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद पटना के साथ दरभंगा में 8000 के आसान किस्तों में ले दरभंगा में अपनी जमीन और बनाए अपना मकान। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स 100% क्लियर टाइटल एंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन, इंटायर लेआउट एज पर वास्तु। 4230 वाइड रोड विद फुटपाथ, ऑल ब्लैक टॉप रोड, कर्विंग स्टोन, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ड्रेनेज सिस्टम, एवेन्यू प्लांटेशन, बाउंड्री वॉल विद आर्च एंड गेट, 24/7 हाई क्लास सिक्योरिटीज, चिल्ड्रेन पार्क, प्रोविजन फॉर कॉमन लाइफस्टाइल्स, प्रपोज्ड समृद्धि कॉन्वेंट स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, मॉल, कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद, रीजनल ऑफिस पटना एंड दरभंगा ब्रांच, फर्स्ट फ्लोर विवाह पैलेस, पूनम सिनेमा रोड, मिर्जापुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट 7079579887913517301016। कंप्यूटर पर कर लो कमांड, विश्व में है इसकी डिमांड। अपूर्वा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोर्स फैसिलिटी डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए, टैली, डीडीपी, हार्डवेयर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग, रामपुर, रामगंज, बैंकर्स कॉलोनी रोड, महिंद्रा, धुरंधर ट्रैफिक एजेंसी के सामने। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल 7870713346749205677। और खबरें अब विस्तार से। 3 महीने में पैसा डबल करें, ऐसा झांसा देकर छात्रों से लाखों रुपए की ठगी कर दरभंगा की एक फर्जी कंपनी फरार हो गई। वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम से नाका 5 के निकट कैप्टन कॉम्प्लेक्स में चल रही कंपनी 1-2 नहीं 4000 छात्रों के अब तक ठगी कर चुकी है। मैनेजर द्वारा पैसा वापसी के आश्वासन पर जब छात्र कार्यालय पर पहुंचे तो कार्यालय में मैनेजर ने जड़ दिया ताला और फरार हो गया। वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम से चल रही एक फर्जी कंपनी, नॉन फंडिंग कंपनी ने 3 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर 4000 से अधिक छात्रों का लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। मैनेजर द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद जब छात्र कार्यालय पर पहुंचे तो कार्यालय में जड़ दिया ताला और मैनेजर फरार हो गया। आक्रोशित छात्रों ने नाका 5 को जाम कर दिया, आगजनी की और कार्रवाई की मांग करते रहे। इसी बीच छात्रों में ही कहां सुनी हो गई, बात और बढ़ गई, एक दूसरे को मारने पर आ गए। काफी
समझाने बुझाने के बाद पुलिस प्रशासन सूचना पर पहुंची थी और छात्रों को समझाया गया, तब जाकर के सभी माने और कंपनी के खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया, कार्रवाई की मांग की छात्रों ने। नाका 5 स्थित कैप्टन कॉम्प्लेक्स में यह वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम से महीनों से चल रही थी कंपनी। छात्रों को 1400 रुपए में जमा करने पर कॉपी पेन एक बुकलेट दिया गया और कहा गया कि 3 महीने में डबल हो जाएगा पैसा। यह झांसा देकर कंपनी छात्रों से पैसा ऐंठता रहा, ठगी करता रहा। जब छात्रों को इसकी भनक लगी तो उसने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि कंपनी के मैनेजर ने आश्वासन दिया था कि वह पैसा वापस कर देगा और इसी आश्वासन पर छात्र पहुंचे थे कार्यालय, लेकिन कार्यालय में जरा रहा ताला, मैनेजर फरार था। आक्रोशित छात्रों ने ताले को भी तोड़ने की कोशिश की और सड़क जाम कर दिया, आगजनी की। जी बोला था क्या, जो दो सेटिंग में होता है, एक वीकली बोला एक मंथली बोला, जो वो वीकली में ले रहा 650-699 रुपया ले रहा था, 699 रुपया लेके बोला क्या, जो 2200 रुपया टारगेट है महीना का टारगेट है, और मंथली वाला में था कि बोला 1499 रुपया ले रहा था और बोला एक पेज का 1400 रुपया है, 1400 रुपया आप जितना एक फर्स्ट मंथ में आपको 1350 मिलेगा, तो आप जितना लिख लीजिए उसको 1400 रुपये के हिसाब से लेगा। सब लिया था लेकिन पहले एडवांस में 1500 रुपया लिया था। अगर 3600 का अगर लेता है तो समझिए 1500 का 15 लाख हो जाता है, इसलिए कर भाग गया कंपनी। कंपनी है कि भाग गया कंपनी? भाग गया है, अगर और ज्यादा भाग गया, अगर रोज ज्यादा इतना का पैसा लेकर के चूना लगा कर भागा। और उसमें खास बात ये था कि फ्रांचाइज भी दे रहा था, बोल रहा था 40 सीट लोगे 50 सीट लोगे तो 70-80 हज़ार रुपया लगेगा, एक से लगेगा, जो हुआ था बहुत लोग दिया भी था और बोला था इसका जो मतलब जो लिखा था उसका लास्ट पेमेंट था 21 को और बोला 21 को सबको पेमेंट कर देंगे, और उसमें लिख दिया था कि मंथली और वीकली 19 को होगा, 19 को, तो सब वैसे भी जानने वाला जान रहा था और जिसको विश्वास था अपना कर रहा था, उसको क्या किया 19 को तक सबका एडमिशन ले लिया, सब पैसा ले लिया, 20 को अपना सब कुछ बोरा विचार समझा के इसको पार। कौन सा कंपनी है? ये वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन है सर, ये हम लोगों को पहले फ्रेंड से ही मिला था इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स हमको बोले थे फर्स्ट मंथली में हम लोग ज्वाइन किए थे, बोले थे 1400 रुपया लगेगा मंथली वाला का, और वीकली वाला का लग रहा था 599 रुपया, 2200 रुपया देता था वीकली में और मंथली में 4900 रुपया देता था। ये पूरे कस्टमर यानी 500 पूरा कंज्यूमर थे इसके, 500 से ज़्यादा थे उसका सर, भाग गया कुछ विद्यार्थी लोग रोड जाम कर दिए थे, यह क्या करके कि एक वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम की कंपनी थाना से भी सटे बगल में चला रही थी, उसमें करीब कितने विद्यार्थी होंगे? एक लाख कम से कम 10,000 से ऊपर विद्यार्थी वहाँ इसमें जाते थे, और कंपनी जो है 1399 रुपया एडमिशन के नाम पे, और 2 महीने बाद उस 49 समथिंग रुपये वो वापस करने का भरोसा दिलाया था और बीती रात वो कंपनी यहाँ से भाग गई। ये लोग जाम किए थे उसी को मांग लेकर कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इन लोगों से एक लिखित आवेदन लिया गया, FIR होगी, आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल छात्रों ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। पुलिस महानिदेशक प्रक्षेत्र के 10 जिलों में एक सप्ताह के अंदर बड़े पैमाने पर इनामी अपराधी सहित 1148 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा कई चोरी के सामान भी बरामद हुई है। सरकार की तरफ से कुछ दरभंगा पुलिस महानिदेशक प्रक्षेत्र के 10 जिलों में एक सप्ताह के अंदर बड़े पैमाने पर इनामी अपराधी सहित 1148 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज्यादा समस्तीपुर में 245, मधेपुरा में 237, दरभंगा में 67, मधुबनी में 133, सहरसा में 88,
पूर्णिया में 87, कटिहार में 125, किशनगंज में 52 और अररिया में 118 लोग शामिल हैं। वहीं प्रक्षेत्र में समस्तीपुर में 5, मधेपुरा में 4, पूर्णिया में 2, कटिहार में 2 और अररिया में 2 अग्न्यास्त्र की बरामदगी हुई है। समस्तीपुर से 24, सहरसा से 1, मधेपुरा से 24, पूर्णिया से 3, कटिहार से 13 और अररिया से 6 कारतूस व खोखा बरामद किया गया। इसके अलावा प्रक्षेत्र के 10 जिलों में से 555 वाहनों की जब्ती हुई है। 12,91,700 रुपए वाहनों से जुर्माने के रूप में वसूले गए। इसके अलावा 3,954 लीटर विदेशी शराब और 2,280 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। इसके अलावा कई चोरी के सामान भी बरामद किए गए। सत्येंद्र कुमार, ETN। बहेड़ी प्रखंड के विभिन्न कार्यालय और योजनाओं का निरीक्षण उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बाहरी परिसर में फैली गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लगाई फटकार, कहा साफ सुथरा रखे परिसर। बहेड़ी प्रखंड के विभिन्न कार्यालय और योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी जब पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र परिसर में फैली गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को परिसर साफ सुथरा करवाने का निर्देश दिया। प्रवेश द्वार के पास नाली की समस्या देखते हुए सड़क बनाने वाली कार्यकारी एजेंसी के अभियंताओं को 15 दिनों के अंदर नाली बनवाने का आदेश दिया गया। परिसर के निरीक्षण उपरांत जिलाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के भवन का भी निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित चिकित्सकों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खाली पड़े हुए चिकित्सकों के पद की ओर उनका ध्यान आकर्षित करवाया। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित सिविल सर्जन को चिकित्सक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया की शुरुआत करने का निर्देश दिया। दवाइयों, उपलब्ध सुविधाओं, एम्बुलेंस सुविधा की भी जानकारी ली गई। इलाज कराने आए मरीजों से भी जिलाधिकारी ने वार्ता कर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के उपरांत बहेड़ी प्रखंड कार्यालय पहुंचे। सर्वप्रथम RTPS काउंटर का निरीक्षण कर वहां के कार्यकलाप का सूक्ष्म निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात प्रखंड कार्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने पहुंचे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभुकों को राशि अविलंब देने की बात बताई गई। 74,000 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई जानी है। बहेड़ी प्रखंड के लिए लक्ष्य 4,827 बताया गया। इस योजना के तहत कुल 12,00,000 बराबर 3 किस्तों में नियमानुसार दी जाती है। ODF किए गए पंचायतों में लाभुकों को राशि अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। शौचालय निर्माण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए यह अत्यावश्यक है। शुद्ध पेयजल हेतु सभी पंचायतों के वार्डों में पानी की टंकी और पाइप लाइन लगाई जानी है। टंकी की ऊंचाई 8 मीटर तक रखा जा सकता है, जिससे वार्ड के प्रत्येक घर में पानी का बहाव अच्छे ढंग से हो सके। मोटर 3 HP या 2 HP का अच्छी क्वालिटी का लगाए जाने का निर्देश दिया गया। शौचालय में एक नल का कनेक्शन निश्चित रूप से लेने के लिए कहा गया। घर हर घर नाली पक्की नाली गली योजना के तहत नाली अथवा सोख्ता निश्चित रूप से बनवाने के लिए कहा गया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में PRT 2018 आयोजित करने जा रही है। इसकी तैयारी में विश्वविद्यालय प्रशासन जुट गया है। संभवतः अगले सप्ताह तक PRT आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। PhD की अभिलाषा रखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। मिथिला विश्वविद्यालय में PRT 2018 आयोजित होने जा रहा। इसकी तैयारी में विश्वविद्यालय प्रशासन जुट गया है। जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। आवेदन लेने की प्रक्रिया अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शुरू कर दिए जाने की संभावना है।
बताया जाता है कि इस वर्ष पीआरटी के लिए 500 से अधिक रिक्तियां 23 विषयों में होगी। पीएचडी शाखा को करीब 20 विषयों की पीआरटी के लिए रिक्तियां पीजी उपलब्ध ने करा दी है। जिन विषयों की रिक्तियां पीएचडी शाखा को उपलब्ध नहीं हो रही है उसमें शिक्षा, नाट्य शास्त्र एवं गृह विज्ञान विषय शामिल है। इस विषयों की रिक्तियां प्राप्त होते ही आयोजन की प्रक्रिया तेज कर दिए जाने की बातें भी कही गई। पीआरटी में शामिल होने के लिए अर्हता पूर्व की तरह सामान्य कोटि के छात्रों के लिए पीजी का अंक न्यूनतम 50% एवं आरक्षित कोटि के लिए 45% अनिवार्य होगा। इसके अलावा पीएचडी के लिए शोध प्रबंध जमा करने के लिए न्यूनतम समय सीमा 3 एवं अधिकतम 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। इसमें कोर्स वर्ग की अवधि भी शामिल है। पूर्व में यह समय सीमा न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 5 वर्षों की थी। पीआरटी के लिए आवेदन शुल्क में अभी तक बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्व के सत्रों में सामान्य वीसी एवं ईवीसी कोटि के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹3,000 तथा एससी एसटी दिव्यांग व सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ₹2,000 था। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में समकालीन हिंदी कहानी का परिदृश्य विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। अभिरा के संपादक एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। समकालीन हिंदी कहानी का परिदृश्य विषय पर हिंदी विभाग में व्याख्यान का आयोजन किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा अविधा पत्रिका के संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार ने व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बनावट के प्रश्न को स्पष्ट करते हुए कहानी की पाठकीयता पर सबसे अधिक बल दिए। उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों से उदाहरण देते हुए कहा, ठाकुर का कुआं हो या शतरंज के खिलाड़ी, अपनी बनावट में एक छोटा सा जीवन प्रसंग उपस्थित करने के बावजूद जीवन बोध की व्यापक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करें। समकालीन कहानी के प्रारंभ के विषय में विचार करते हुए उन्होंने बताया कि सारिका के संपादन के साथ जिस तरह समांतर कहानी का विकास कमलेश्वर के द्वारा होता है, समकालीनता की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इसी पृष्ठभूमि से संजीव, स्वयं प्रकाश, मिथिलेश्वर जैसे कहानीकार कहानी में समकालीनता का स्वर भरते हैं। कहानी में किस तरह जीवन प्रसंगों का कथानक के साथ एकात्मक संयोग होता है, डॉक्टर कुमार ने इसे भी स्पष्ट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने की। अपने संबोधन में कहानी की जीवंतता और उसके महत्व को प्रकट किया। इस अवसर पर मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार झा, प्रसिद्ध नाटककार तथा सीएम कॉलेज के सह प्राध्यापक अविनाश चंद्र मिश्र, विभागीय सह प्राध्यापक डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर मोहित ठाकुर, राजेंद्र शाह, शोध प्रज्ञों में उमेश कुमार शर्मा, शंकर कुमार, हरिओम कुमार, पार्वती कुमारी, सरोजनी गौतम मौजूद थी। एक पाठक को बार बार पढ़ने को विवश करे और अपनी ओर खींचे। उस दौर की एक कहानी थी, 74 के दौर, 74 में जो समांतर कहानी शुरू हुआ उसके बाद की, संजीव की, शायद आप में से किसी ने पढ़ी होगी, जहाँ से उनकी शुरुआत होती है अपराध कहानी से। अपराध कहानी एक तरह से वो पहली कहानी थी संजीव की जिसने उनको चर्चा में जाने का काम किया। समांतर कहानी छोड़ उस दौर को मैं छोड़ दूँ क्योंकि उस टाइम उसके लोगों को आपने नहीं पढ़ा होगा। स्वयं प्रकाश सहज उपलब्ध नहीं है, संजीव की कहानियाँ कल कभी आती हैं सहज उपलब्ध नहीं है, इब्राहिम शरीफ नहीं है। तो इस तरह से मिथिलेश्वर ने भी लगभग लिखना बंद कर दिया है, उनकी कहानियाँ भी सहज उपलब्ध आपको नहीं हो सकती हैं। कालीन कहानी के परिदृश्य पर वो अपना व्याख्यान केंद्रित कर रहे हैं। कहानी साहित्य की ऐसी विधा है जो प्रायः सारे लोग पढ़ रहे हैं, कविता के पाठकों की संख्या में ह्रास हुआ है, उपन्यास विभागम भाग की जिंदगी में लगभग दूर होता जा रहा है, लेकिन कहानियाँ आज भी पढ़ी जा रही हैं। और आज की हिंदी कहानियों के वैशिष्ट्य और उसमें व्यक्त यथार्थ के विविध रूपों पर अरविंद कुमार जी व्याख्यान दे रहे हैं। किशोरावस्था स्वभाव एवं प्रजनन पर सेमिनार का आयोजन
मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीता झा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थी। किशोरा अवस्था स्वभाव एवं प्रबंधन पर सेमिनार का आयोजन किया गया डॉक्टर आरएलआर पब्लिक स्कूल में। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग की प्राचार्य डॉक्टर पुनीता झा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थी। महात्मा गांधी जीवन दर्शन शोध संस्थान के पूर्व विचारक चित्रलेखा अंशुल के साथ मौजूद थे सचिव, शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे। एंड लिसन केयरफुली बिकॉज आई फील दैट आई एम कम्युनिकेटिव और मैंने इससे पहले भी स्कूल के बच्चों को एड्रेस किया है। बट एट द आउटसेट लेट मी फर्स्ट थैंक द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड ऑल फॉर टेकिंग अप सच एन इम्पॉर्टेंट इशू एंड क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग वन एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड इन्वाइटिंग द गार्जियंस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। कोई बच्चा पैदा होता है तो आज वो छोटा बच्चा है, कल वो एडोलसेंट होगा, टीनेजर होगा और परसों वो देश का एक नागरिक बनेगा, एक सिटीजन बनेगा। और हम सभी लोग चाहते हैं कि देश का या कंट्री का कोई एक अगर नागरिक हो, सिटीजन हो, तो उसको कैसा होना चाहिए? क्या उसको हमारे नेशन को बिल्ड करने के काम आना चाहिए? और पब्लिक स्कूल सदर थाना रोड दरभंगा में आज एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार का मुख्य विषय है एडोलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स मैनेजमेंट, किशोरा अवस्था का स्वभाव एवं उसके प्रबंधन पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। और इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर पुनीता झा इंग्लिश डिपार्टमेंट मिथिला यूनिवर्सिटी एवं डॉक्टर चित्रलेखा अंशु कोऑर्डिनेटर ह्यूमन स्टडीज मिथिला यूनिवर्सिटीज मुख्य वक्ता के रूप में आई हैं। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। भारत सरकार के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया सीएम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में। मुख्य वक्ता के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर पी के झा और प्रोफेसर कैलाश यादव थे। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वर्ण जयंती प्रशिक्षण श्रृंखला अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया महाराज महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में। CIIL मैसूर एवं मैथिली साहित्य संस्थान पटना इंटेक चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में महाराजा महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में कैथी एवं मिथिलाक्षर की लिपि के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन के मौके पर भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के निर्देशक प्रोफेसर डीजी राव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कैथी और मिथिलाक्षर लिपि के लिए CIIL मैसूर द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने पर विचार किया गया है। मातृभाषा और लिपि का ज्ञान बहुत आवश्यक है। सरकार को मातृभाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। उद्घाटन भाषण को संबोधित करते हुए IIL भाषा और लिपि के विकास में सहायता के लिए सदा अग्रसर रहेगा, यह कहा उन्होंने। अध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने कहा कि संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए लिपि का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उन्होंने मिथिला संस्कृति और इतिहास के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए कहा कि मिथिलाक्षर एवं कैथी लिपि सीखकर मिथिला ही नहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में रखी हुई मिथिलाक्षर की पांडुलिपि को पढ़ सकेंगे। मुख्य वक्ता भैरव लाल दास ने कैथी एवं मिथिलाक्षर के 1000 साल के इतिहास को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया। उन्होंने कहा कि कैथी और मिथिलाक्षर को स्कूल और कॉलेज के एक पाठ्यक्रम में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए CIIL के सहायक निदेशक डॉक्टर नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार के विलुप्त हो रही दोनों लिपियों के लिए भारत सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम को डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने भी संबोधित किया। लिपियान में मिलता है मतलब एजुशन, लेकिन उनका जो
जो दूसरा बुक है या वाचस्पति मिश्रा के अलावा जो भी विद्वान का जो भी मतलब ग्रंथ है वो अभी तक देवनागरी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है, तो मैं मतलब कितना मैं कर सकूँ वो तो पता नहीं, लेकिन पहले मैं लिपियाँ सीखूँ, फिर जो मिथिलाक्षर का जो उन लोगों का ये पांडुलिपियाँ खोजूंगी, फिर थोड़ा सा मतलब गया कि इतिहास निकालना चाहती हूँ इससे, तो इसलिए मैं सीखने आई। वो जो वाचस्पति जी का लिखा हुआ है पांडुलिपि, मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षण पुरालेख संस्कृत अभिलेख के विषय में कार्यरत हूँ। मैं उत्तरी क्षेत्र के और उत्तरी भारत के सभी लिपियों के विषय में काम कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की लिपियों पर भी काम कर रही हूँ। मेरा कार्यशैली की विशेषता है मैं लाओ थाई खमैर के साथ साथ तिब्बती लिपियों के विषय में भी काम कर रही हूँ, जिसे बोधि स्क्रिप्ट कहते हैं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मिथिला विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रावास विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। छात्रावास में 40 छात्राओं को रहने की सुविधा मिल जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रावास विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। वर्ष 2010 से ही WIT परिसर में बंदोबस्त कार्यालय का विनिष्ट योग सामग्री पड़ा हुआ था और उसी समय से विश्वविद्यालय की ओर से इसे खाली कराने का प्रयास चल रहा था। इस बीच संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एम नेहाल ने अपने प्रयास से इस कार्य को संपन्न कराया। आज WIT को इस गोदाम का चाबी उपलब्ध करा दिया गया। अब छात्रावास छात्राओं के लिए बनेगा, जिसके चलते 40 छात्राओं को रहने की सुविधा मिल जाएगी। सरफराज आलम, BTN न्यूज। अलीनगर ग्रीड उपकेंद्र स्थित नरुद्दीन दोस्त टीकापट्टी के निर्माण कार्य में पहुंच पद की समस्या को लेकर SDM तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता संचरण प्रमंडल समस्तीपुर हरेंद्र प्रसाद समेत विभिन्न पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई। अलीनगर स्थित नरुद्दीन दोस्त टीकापट्टी के निर्माण कार्य में पहुंच पथ की समस्या को लेकर SDM तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता संचरण प्रमंडल समस्तीपुर हरेंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें ग्रामीणों द्वारा निर्माण स्थल की ओर जाने वाले पहुंच पथ के निर्माण कार्य को जमीन के कीमत के भुगतान करने की मांगों को लेकर रोके जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। सबसे पहले SDM ने CO को तलाशा तो मौजूद BDO रितेश कुमार ने बताया कि वह नहीं आए हैं और उनका प्रभार है। मौजूद संबंधित पंचायत के हल्का कर्मचारी परमानंद झा और अंचल के एक सहायक अशोक पासवान ने कहा कि 460 मीटर लंबाई एवं 11 मीटर चौड़ाई में बनने वाले उक्त पहुंच पथ को 2-3 दिनों के अंदर नक्शा एवं जमाबंदी से मिलान करके चिन्हित करें कि किस भूस्वामी की कितनी जमीन उसमें जा रही है, ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके और पथ का जल्द निर्माण पूरा हो सके, जिससे ग्रीड उपकेंद्र के निर्माण कार्य में भी अनावश्यक विलंब न हो। उल्लेखनीय है कि ग्रीड उपकेंद्र के निर्माण कार्य में मिट्टीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद निर्माण स्थल पर धीमी गति से बाउंड्री निर्माण का कार्य चल रहा है। एशिया पैसिफिक फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एंड एसोसिएशन की कार्यकारी बोर्ड मीटिंग में दरभंगा से रोजी चाइल्ड स्कूल के निदेशक विनोद कुमार सिंह शामिल हुए। फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एकमात्र प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्हें सम्मानित किया गया। एशिया पैसिफिक फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एंड एसोसिएशन की कार्यकारी बोर्ड मीटिंग में दरभंगा से रोजी चाइल्ड स्कूल के निदेशक विनोद कुमार सिंह शामिल हुए। कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एकमात्र प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्हें सम्मानित किया गया। ये कजाकिस्तान में अस्थाना जगह है, उसका कैपिटल है, वहीं मैं गया था। तो यूनेस्को का वहाँ एशिया लेवल का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, एशिया पैसिफिक फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब्स एंड एसोसिएशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन का वो था। ये यूनेस्को उसको रिप्रेजेंट करती है यूनेस्को को, और मैं यहाँ दरभंगा बिहार इंडिया से
कुकई, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसी का वहाँ वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग थी हम लोग की, वहाँ हमने हमारे जो कार्यकलाप थे हमारे यहाँ कुकई के इंडिया में उसको मैंने वहाँ प्रस्तुत किया, वहाँ हमें सम्मानित भी किया गया। उसके बाद 3 दिन हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें विद्वान लोग डिफरेंट वहाँ के डिफरेंट 12 कंट्रीज़ ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, उसके जो भी विद्वान लोग थे, जानकार थे, यूनेस्को से उनके मंत्रीगण, सभी लोग, उनके ऑफिशियल्स, एवरीबॉडी इज देयर। सरफराज आलम, BTN न्यूज। नगर निगम में शिविर लगाकर 156 फुटपाथी दुकानदारों को सिटी मैनेजर सुहास सिंह ने तृतीय चरण का पहचान पत्र वितरित किया। नगर निगम में शिविर लगाकर 156 फुटपाथी दुकानदारों को सिटी मैनेजर सुहास सिंह ने तृतीय चरण का पहचान पत्र वितरण किया। सूचना नहीं रहने के अभाव में मात्र 15 दुकानदार ही पहुंचे थे पहचान पत्र लेने। इस माह का तृतीय शनिवार है और इस हेतु मतलब 156 फुटपाथ दुकानदार का विभाग के द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया था जिसको वितरित किया जा रहा था। तो ये तृतीय चरण में मतलब 2 बार हम लोग वितरित कर चुके हैं, जिसमें प्रथम चरण में प्रधान सचिव विभाग के खुद शरीक हुए थे और कार्ड वितरण करने का कार्य किए थे। ये तृतीय चरण में आज हम लोग कार्ड वितरण का कार्य किए हैं, जिसमें 156 दुकानदारों का सूची आया था, जिसमें आज बहुत कम लोग आ पाए हैं, लेकिन फिर भी दर्जन से ज्यादा लोग आए थे। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार, विदा लें आपसे इससे पूर्व हेडलाइंस पर एक नजर। 3 महीने में पैसा करें डबल, ऐसा झांसा देकर 4000 छात्रों का लाखों रुपए लेकर फर्जी कंपनी फरार। वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम से कैप्टन कॉम्प्लेक्स में चल रही थी संस्था, आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम के साथ कोतवाली थाना में करवाया मामला दर्ज, कार्रवाई की मांग। 10 जिलों में 1 सप्ताह के अंदर इनामी अपराधी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। बहेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पसरी गंदगी देख विफरे DM, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लगाई फटकार, का साफ सुथरा रखे परिसर, विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। प्रतीक्षारत छात्रों के लिए खुशखबरी, जल्द होगी मिथिला विश्वविद्यालय में PRT 2018, अगले सप्ताह में हो सकती है अधिसूचना जारी। ये थी अब तक के समाचार, विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।